सारी बड़ी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं मैं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, वो क्या है कल के टेस्ट मैच से रिलेटेड, उस पर बात करेंगे। इंडिया के 3 प्लेयर बाहर हो चुके हैं ओडीआई से, तीसरा जो है बांग्लादेश के खिलाफ उस पर भी बात करेंगे। तो भी वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच जो कि मुल्तान में कल से शुरू होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात ये है जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि ये जो टेस्ट मैच है ये 300 से 350 ओवर्स के दरमियान में होगा, ये प्रॉपर पूरे ओवर्स नहीं होंगे इसके। इसकी वजह क्या सामने आ रही, क्योंकि जो मुल्तान का वेदर है स्मोक बड़ी ज्यादा होगी, फोग और स्मोक का जो मिक्सचर होता है स्मोक वो बड़ी ज्यादा होगी, तो बैड लाइट की वजह से ना ये मैच लेट शुरू होगा और जल्दी खत्म होगा। जैसे जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैच सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये आधा घंटा या घंटा लेट शुरू होगा और जो 5 बजे का टाइम होता है उससे भी पहले खत्म हो जाएगा, 4 या 4:30 बजे के करीब, या इससे भी पहले खत्म हो सकता है बैड लाइट की वजह से। तो ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के तो दिमाग में होगा, ये इंग्लैंड को पता होगा कम ओवर का खेल है तो हमने अपने तरीके से बल्लेबाजी करनी है। पाकिस्तान को भी इस चीज को बड़ा गौर से रखना, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये भी टेस्ट मैच हार गई ना तो बड़ी बिस्ती होनी है, बड़ा जिसको कहते हैं बुरा बड़ा कहा जाएगा। तो पाकिस्तान को ध्यान रखना पड़ना है। और इंग्लैंड बड़ी खतरनाक क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड पहले चेस किया करता था बेसबॉल क्रिकेट के थ्रू, अब वो पहली इनिंग्स में भी जिसको कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन जो बड़ा चेंजेस हुए उनमें बात करें तो बिग रिप्लेसमेंट नहीं है, हारिस रऊफ बाहर हो चुके हैं हम सबको पता है, तो हारिस रऊफ की जगह अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया पीसीबी की तरफ से। लेकिन जो मेरी सोर्स है, जो मुझे लगता है, फहीम अशरफ कल हारिस रऊफ की जगह खेलेंगे। फहीम अशरफ क्योंकि बैटिंग ऑलराउंडर भी है तो बैटिंग को मजबूत करेंगे और एक अच्छे तगड़े बॉलर हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, तो मुझे लगता है कि फहीम अशरफ कल का मैच खेलेंगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड खेलेंगे लियाम लिविंगस्टन की जगह। लिविंगस्टन को इंजरी हुई है, वो वापस चले चुके हैं, उसकी जगह मार्क वुड आए हैं। अब देखा जाए मार्क वुड, पहले इंग्लैंड की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, अब मार्क वुड के आने से जो शॉर्ट बॉल है वो आएगा, उसने मुंह पे बॉल रखना है या इधर शोल्डर हाइट पे बॉल रखना है, तो मुसीबत होगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान पहले ही बड़ा वीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को अपने जिसको कहते हैं ना बैटिंग में, मैं समझता हूं कि शान मसूद को इंक्लूड करना चाहिए अजहर अली की जगह, क्योंकि वो अच्छा बॉल खेलता है शॉर्ट बॉल। अब बात करते हैं जरा, ये तो बातें होगी, पाकिस्तान और इंग्लैंड में फेवरेट कौन है? या देखा जाए तो अव्वल तो वैसे इंग्लैंड ही फेवरेट लग रहा है। मैंने प्रिडिक्शन की थी कि पाकिस्तान जीतेगा 2-0 से, तो वो तो गलत हो चुकी हुई क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच हार गया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त कमबैक खेलेगा। पाकिस्तान जो इंग्लैंड जिस थिंकिंग के साथ क्रिकेट खेलता है उसी थिंकिंग के साथ पाकिस्तान भी इस दफा खेलेगा, तो मुझे लगता है पाकिस्तान ये वाला टेस्ट मैच जीतेगा और इस टेस्ट मैच में भी जिसको कहते हैं ना सेंचुरी हमें देखने को मिलेंगी। बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की। बांग्लादेश ने इंडिया को जिसको कहते हैं कि ना हरा के एक और हिस्ट्री बना दी, 2015 में जीते थे, अब दोबारा जीत गए सीरीज। अगर देखा जाए लास्ट 13 ओडीआई सीरीज के अंदर बांग्लादेश ने 12 ओडीआई सीरीज अपने घर के अंदर जीती है, सिर्फ एक इंग्लैंड से हारे थे, वो भी बड़ा क्लोज कंपटीशन हुआ था। पाकिस्तान को भी इन्होंने हराया हुआ, इंडिया को हराया हुआ, लंका को हराया हुआ, ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ, बड़ी न्यूजीलैंड को भी इन्होंने हराया हुआ, बड़ी टीमों को इन्होंने हराया हुआ, तो ये अच्छी टीम है अपने घर के अंदर। इंडिया को इन्होंने हरा दिया 2-0 से, अब तीसरा मैच होना, उससे पहले ये बातें आ रही है रोहित शर्मा चले बाहर हो चुके हैं अगले मैच से, दीपक चाहर को हैमस्ट्रिंग का इशू है वो भी बाहर हो गया। मुझे दीपक चाहर की समझ नहीं आती यार, ये बंदा बहुत अनफिट रहता है, एक दो मैच खेलेगा उसके बाद अनफिट हो जाएगा, समझ से बाहर है, इनको चाहिए कि रिटायरमेंट दे दें क्योंकि ये फिट नहीं है। स्क्वाड में भी आ जाते हैं उसके बाद फिर अनफिट होकर चले जाते हैं, ऐसे जो बेचारा डिजर्विंग प्लेयर होता है ना उसका चांस मारा जाता है। तो मैं ये समझता हूं इनको एक प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इतने लंबे लंबे टाइम की ब्रेक ले फिर वापस आए, या तो अगर ऐसे ही बाहर होना होता है फिर जिसको कहते हैं वापस ना आए। और कुलदीप सैन जिसको स्ट्रिफ बैक हुई हुई है उसको भी जिसको कहते हैं बाहर हो चुके हुए हैं। रोहित शर्मा का कहा जा रहा है बॉम्बे वापस आ गए मुंबई के अंदर, वहां से अपने डॉक्टर से बात करेंगे, अगर तो वो फिट हुए तो वो एक टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे, ऐसा कहना था राहुल द्रविड़ का। तो देखा जाए तो अब केएल राहुल कैप्टन है, कौन कौन खेल सकता है, अब इनकी जगह कौन खेलेगा ये सवाल है। दीपक चाहर की जगह, रोहित शर्मा की जगह कौन खेलेगा? तो मैं तो ये समझता हूं कि रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को चांस देना चाहिए, अगर उसको ला सकते हैं तो उसको खिलाएं। उसके अलावा दीपक चाहर की जगह ये बड़ा जिसको कहता है अब देखना पड़ना है इनको टीम में, जिसको कहते हैं किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे, अब देखें क्या इनको लगता है, क्योंकि इनकी इतनी जिसको कहते हैं इंजरीज हो रही है, इनको भी समझ नहीं आ रही होगी किस बंदे को खिलाएं किसको ना खिलाएं। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन खेलेगा। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आप क्या समझ रहे हैं कि तीसरे ओडीआई के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स खेलने चाहिए, कौन से नहीं खेलने चाहिए, और केएल राहुल कैसी कैप्टनसी करेगा ये भी जरूर बताएगा। तो इंशाल्लाह कहते हैं थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, ये सारी ब्रेकिंग न्यूज भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, अपडेट सारी शेयर कर दी है, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।